आज हुसैन टेक्निकल की बाहर थी ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज अस्सलाम वालेकुम अलैहमतुरहमतुल्लाह दीर बदन सिस्टर्स माझरतन आज आ, कुछ लगता तार हमारा साथ नहीं दे रही थी कोई टेक्निकल इश्यूज था इसकी वजह से हम लोग फंस गए थे हालांकि वाला ही।

मैरिज मैरिज के इश्यूज शादी के जो फडे हैं रोले हैं क्या वजह बनती हैं क्यों ऐसा होता है शादी की तैयारियां कैसे हो रही होती है हमारे माशरे में वट डू वी मीन बाय मैरिज शादी की तैयारियां और फिर हम औलाद की तरब पर भी इन आएंगे कि कैसे एक आ, अच्छी जनरेशन अच्छी नस्ल को उभारा जाता है इन ठीक है शादी की तैयारी हमारे यहाँ किस तरह होती है क्या ख्याल है आप लोगों का शादी की तैयारियाँ अगर जाहिर है जो अभी इस वक्त जो भी चल रहा है माशरे में वो तो यही कि expensive से expensive होती जा रही है हमारा मुश्किल मुश्किल ज्यादा आप मैरिज प्लान करते हैं वेडिंग प्लान करते हैं मैरिज प्लान नहीं करते पैसा उसी में जा रहा है आप इवेंट प्लान कर रहे होते हैं आपका सारा जो खर्चा जो है वो आपका वेन्यू से होता है खानों से होता है कपड़ों पे होता है मतलब मैं हैरान होता हूँ कि मैं सुनता <coughs> जी जी तकरीबन पच्चीस पच्चीस तीस लाख के जोड़े होते हैं ये मैं भी आपको मिनिमम एवरेज में बता रहा लोग लोन लेके ले शादियां करते हैं जो असल चीज़ है वो ये देखने वाली होती है कि आप कहाँ शादी कर रहे हैं हुँ। और हुँ। आपका माइंड सेट वहां मिलता है या नहीं मिलता मैं वो बात कर रहा करूँ कि जब आप एक अरेंज मैरिज आप करने जा रहे होते हैं तो आपको ये सारी चीजें देखनी चाहिए बजाय इसके जिसी वजह से आपके जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और हराम रिलेशंस की वजह से मतलब ज़िम्मेदारी का जो एहसास है एक शादी के बंधन में आने से पहले उसका ज़िम्मेदारी का जो एहसास है वो कॉन्सीडेंटल होता है कहीं से सुन लिया कि मैरिज के लिए यही आपको तैयारियां क... हमारे यहाँ जो आम कॉन्सेप्ट है वो ये है कि शादी की तैयारी का मकसद क्या है मतलब हम शादी की तैयारी कर रहे हैं आजकल कल कहा कि बिज़ी हो या मेरी दोस्त दो तीन महीने बाद शादी है मैं शादी की तैयारी में बिज़ी हूँ इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब ये होगा कि मैं कामयाबी से जितने ज्यादा अच्छे तरीके से शॉपिंग कर लेता हूँ ये शादी की तैयारी है मतलब इवेंट इवेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट जितनी जितनी अच्छी है जितनी अच्छी है अच्छा लहंगा लाख के लहंगे हाँ। खात के होते हैं और उन्हें कब कब तक पहनती है वो सिर्फ एक दिन वो भी अनकम्फर्टेबल ठीक है ना एक है आपकी जो जरूरत है ठीक है उसके बाद आशाइश है आप थोड़ा बहुत आसाइश में कभी कभी इंडल्ज हो सकते हैं फिर जो जुबाइश है ना वो भी हराम है और नुमाइश तो वैसे ही जायज़ नहीं है बिल्कुल ऐसे ही यार वो हम पहले ये दे रहे हैं सोफे पे बैठ के बता रहे होते घड़ी दी और बता रहे हमने गाड़ी दी और ये दिया नुमाइश होती है इवन ये ग्रूम साइड है वो भी अपने लिए ब्रांडेड चीजें ले रहा होता है यानी सूट

जो है क्योंकि आते हैं तो है। फिर आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते फिर आप एक टेंशन में रहते हैं फिर वहां से इश्यूज क्रिएट होना शुरू होते हैं जैसे आप हम टॉपिक की बात जो हमारा टॉपिक है वो हम शादी के बाद की बात करें जो प्रॉब्लम्स आ रही है ये तो शुरू एक आ, अलग टॉपिक है जिसके शादी से पहले आपको क्या क्या देखना चाहिए शादी के बाद जो इश्यूज आते हैं वो बहुत आजकल कल हमारे यहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं सबसे ज्यादा जो हमारी जो यंग शादियां हो रही हैं और इस वजह से हमारे डाइवोर्स रेट्स भी बढ़ गए डाइवोर्स रेट बढ़ने की वजह यही है कि आपका बच्चा तैयार तो था नहीं वो अभी मम्मी डैडी था कि वो अभी सुबह उठता है ग्यारह बजे बारह बजे वैसे थोड़ा सा ना मैं चाहता हूँ कि डाउरी के बारे में भी ज़रूर हम बात करें कि लोग ये भी समझते हैं कि डाउरी जो है शायद वो इस्लाम इस्लामिक कॉन्सेप्ट है यू नो क्योंकि ज़्यादातर हमारे या मुसलमान फैमिलीज में ये चीज़ देखने में आती है ना कि वो डाउरी का बड़ा अहतमाम किया जाता है और ख़ासतौर पर मुश्किल होती है स्ट्रगलिंग फैमिलीज के लिए तो ये बात तो रियलाइज करनी चाहिए हमें कि इस्लाम है मतलब इस्लाम में बिल्कुल भी डाउरी का कॉन्सेप्ट है नहीं बिल्कुल भी नहीं और अब अब जो ट्रेंड देखने में आ रहा है ना फॉर दी सेक ऑफ के जी हम माशरे को चेंज करने जा रहे हैं तो अब वो डाउरी का कॉन्सेप्ट भी ना जस्ट टू कीप दी आप कह लेना फॉर अट्रैक्शन कि हम एक माशरे में चेंज ला रहे हैं तो वो डाउरी कॉन्सेप्ट भी ना अहिता इस से इसलिए खत्म कर रहे हैं मैंने कुछ देखे थे सोशल मीडिया हाँ, मुझे उपर, बड़ा खुश, खुशी हुई एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट है हाँ, लेकिन उनका जो नियम है ना नियत जो उसके पीछे वो जस्ट टू के हम एक माशरे में चेंज लाना चाहिए लेकिन उसका स्लाम से कुछ ना क्योंकि जो वो हम बाहर वो प्रैक्टिसिंग नहीं लग रहे क्योंकि वेडिंग तस्वीरें आ रही है

मतलब ये इज जो बेसिकली वेन टू बिकम्स बिकम ठीक है जब यू यू बिटवीन वन फ्रॉम द अदर जब वो इतने करीब हो जाते हैं यानी आप एक ही क्वन की दो साइड बन जाते हैं और खातिन को मोहसिन कहा गया है ठीक hmm. है यानी हिसेन से निकला है यानी देयर आर योर गार्डियंस वो हिस, हिसन में क्या है जो बेसिकली हाँ, exactly. तो आपकी गार्ड आपकी तो से, से और आपको हराम चीजों से बचाती है तो जो हमारा हस्बैंड और वाइफ का भी टर्म है ना टर्म ये बेसिकली वेस्टर्न टर्म है हमारा जो है ना वो जऊद की टर्म है जब जहाँ पे आप आप वो कुरान है। में ये ये ना के वो आपको चोट लग जाती है लट <coughs> से अगर <coughs> तो आप उसके ऊपर कपड़ा डाल देते है <coughs> अपने ही कपड़ा आप डाल देते है अगर आपकी शर्ट है वो अगर इसके ऊपर कोई अगर ये स्त्री के बगैर है उस पर आयरन नहीं हुआ हुआ तो बुरी लगेगी लेकिन जब आप इसको आयरन करके पहनेंगे तो ये अच्छी लगेगी पॉइंट इज इस जितना अच्छा आप अपने लिबास का ख्याल करेंगे ना मतलब अगर आप लिबास का ख्याल करेंगे तो लिबास आपका ख्याल करेगा जब आपको चोट लग को अगर कोई धब्बा लग गया तो आप उसको क्या करते हैं जल्दी से आप उसको कहते हैं या तो अपने हाथ रख लेंगे उसके ऊपर कि किसी को नजर ना आए या जल्दी से जाके उसको धो लेंगे ताकि बाहर ये बात आपके ऐप को भी प्रोटेक्ट करता है ना अगर आप जिसमें कोई ऐप है लिबास आपको छुपाता है आपके ऐप को

कि जैसे uh, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड आई ट्रैवल और लॉट एज़ वेल मोर देन ट्वेंटी इयर्स एक्सपीरियंस ए प्रोफेशनल फोर्टीन इयर्स मैंने टेलीनोर में काम किया और उसमें से भी नौ साल मैंने गोरों के साथ डायरेक्ट काम किया ग्रुप के साथ नॉर्वे के साथ आई वेंट टू यूएस मैं जर्मनी इटली आपका स्वीडन नॉर्वे तो हम जाते थे कि हमारा होम एचक्यू वहां पे था मलेशिया शादी हंट कर रहे थे आप नहीं ये शादी के बाद की बात है इतफाक अच्छा। शादी मेरी 2005 <laughs> में हुई थी और हमारा जो मर्जर हुआ था डिपार्टमेंट का था 2011 था 2011 में उस वक्त हम आ, इस्लाम कबूल नहीं किया था जिस तरह से आप कहते अच्छा। नहीं पढ़ी जैसे नॉर्मल घराना होता है इसी तरीके से था हमारा तो टू में हज किया तो वो एक हमारा थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट था जब मैं इन अंग्रेजों से मिला तो मैंने देखा कि ये मैंने उनसे पूछा कि यार आप लोग तो शादियां क्यों नहीं करते हुँ? मतलब दैट द फर्स्ट एक्सपीरियंस ना तो कहते नहीं शादी जो है ना वो बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है ना वो आपने आंसरेबल भी होना होता है आप कहाँ जा रहे हैं ख्याल भी रखना होता तो है और लिविंग रिलेशनशिप चल रहा जी मैं जानता तो बीस बीस बाईस बाईस साल से लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है शादी नहीं करते शादी जो है ना जो आपने अभी डिफाइन किया माशा इट कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऐसी तो नहीं कहा ना कि अगर आपने अगर मैं गलत नहीं कह रहा कि आपने अगर शादी की तो आधा दिन मुकम्मल मतलब किया तो 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 ये कोई बात नहीं कि आप दो शादियां कर ले तो पूरा दिन हो जाएगा इस पे भी हम बात <laughs> करेंगे तो फिर तो <laughs> तो कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है लेकिन नाकाम शख्स के पीछे ना तीन चार औरतों का हाथ होता है सजदा करो में एक साया है तो कहा था ज्यादा पानी, पानी, तो पानी आता है। आ। तो लिखा होता है तो है जब ज्यादा बीवी होती है तो लाइटर नोट है। जी जी। हम इस पे कभी और दिन शादियों पे ज्यादा शादियों में बात करेंगे क्या इसका हुक्म है अच्छा दोपहर आधा दिन मुकम्मल किया तो उसका क्या मतलब हुआ आपका जो इखलाकी मामला है उसमें पूछ ग यही फरमाया था ना की अगर मैं गलत नहीं कोर्ट करा कि वो आ, आप बेहतरीन इखलाक उसका है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है आपके पड़ोसी आपके दोस्तों से अखलाक कैसा है ये आपको बाद में पूछा जाएगा जो आपके घर में है वो आपसे पहले पूछा सबसे पहले आपकी बेहतरीन वो है बेस्ट ऑफ यूट सबसे टॉप भी दी क्योंकि कि जान लो मैं तुमसे सबसे ज़्यादा बेहतरीन अपनी में ना इस रिलेशनशिप को जितनी बातें भी हमने की है, इस अंदाज में, इस में समझा नहीं जाता रवायत बनी हुई है, है चलो ठीक है यार यू नो you know, मिल के पास जिंदगी गुजारनी है बच्चों को गलती करते हैं लोग दुश्मन समझा जाता है एक तरह से पता कैसे कुरान की इस आयत का गलत तर्जुमा लोग करते हैं इन्ना मिन वा 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 तुम्हारे में और तुम्हारे बच्चों में तुम्हारे लिए दुश्मन हैं उनसे बचो उनसे डरो उनसे इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुश्मन है इसका मतलब ये है कि यू विल पुट योर सेल्फ इन ट्रबल अगर आपने उनके हकूक ना अदा किये नहीं अदा किए अब जैसे एक लफ्ज़ है कमाम बिल्कुल लोग इसको भी बहुत मिस इंटरप्रेट अब कवाम का मतलब ये हुआ कि आजकल जो भी जनरेशन चल रही है उन्हें एक तो माशाल्लाह मैं खुद पर्सनली एग्री नहीं करता कि जो आप कुरान के शॉर्ट कोर्सेज कर लेते हैं और आपको उसकी समझ इतनी नहीं होती क्योंकि जैसे कुरान आ, भी आहिस्ता आहिस्ता नाजुक है तो आपको हाँ, भी तरबियत जो है या जो हस्बैंड वाइफ है वो भी चीजों को आहिस्ता आहिस्ता समझना चाहिए hmm. अब वो कहते हैं जी मैं कवाम हूँ अब कवाम जो है ना वो कह रहा है मैं सिर्फ बेचारी बीवी के ऊपर सारा जोर जो है ना hmm. वो बेगम पे चल रहा है hmm. घर पे नहीं चल रहा मतलब घर में जो ज्यादा हो रही है या मतलब जो छोटा मोटा चल रहा होता है तो वहां सारी जो जोर है ना वो आपका चल रहा होता है उसके ऊपर बेगम के बेगम पे

उसी कंबाइंड कंबाइंड फैमिली फैमिली सिस्टम सिस्टम में में नो डाउट इशूज होते हैं बहुत सारे होते हैं। लेकिन मैं आपको विद माई एक्सपीरियंस में आपको बताऊँ बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं इसके आपको बहुत सी सपोर्ट मिल जाती है डिफरेंट उसमें नहीं। लेकिन आपको बस उसमें देखना ही होता है कि कहाँ आप उसको एडजस्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात जब शादी होती है तो वो खातून आपके घर आती है ठीक है ना आपका आपका फैमिली जो सिस्टम था जो फैमिली पैटर्न था जो टाइम था जो रूटीन बना हुआ था वो चेंज नहीं होता लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो रात में आई है वो सुबह उठ के उस पूरे रूटीन में एडजस्ट हो जाए मैं ये समझता हूँ ये ज्यादा है हुँ। आप हुँ। उसको टाइम दें ठीक है ना आपको रूटीन समझने में टाइम दे अब होता है कि हम ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चेंज हो जाए हम चेंज होने को तैयार नहीं होते क्योंकि उसके लिए भी तो उसके भी तो पेरेंट्स हैं

मैं इस पे टॉपिक पे टच करूंगा अभी जो अब होता है कि जब आपकी शादी होती है ना तो जो मर्द होता है ना वो अचानक से दामाद बन जाता है उस तरफ और कौन सा वाला दामाद कलफ लगाओ दामाद सुना होगा भाई अकड़ा हुआ दामाद वो जाएगा बाहर से पिक करेगा बेगम को बाहर से छोड़ेगा और बाहर से ले लेकर आ जाएगा क्यों वाई इट इज है उसके पेरेंट्स नहीं है आप जैसे वो आपके क्योंकि आप ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि वो जो आ रही है वो आप, आपके पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स की तरह ट्रीट करें लेकिन आप ये नहीं चाह रहे होते अगर आप मैं मैं ही समझता हूँ अगर मैं अपनी वाइफ के लिए रोल मॉडल नहीं हूं ना तो मैं किसी के लिए रोल मॉडल नहीं हूँ क्योंकि अगर मैं अपनी वाइफ के लिए रोल मॉडल बनूंगा तो जो भी आगे टॉपिक टच करेंगे वो कंटिन्यू होगा आपके बच्चों में क्योंकि जो रिलेशनशिप आपका मियाँ बीवी का होगा बच्चे वही देखते हैं मैं आपको एक एग्जाम्पल दू हमारे घर में जो खाने वाली बात हुई अब हमारे सब कॉन्टिनेंट में खासतौर में पाकिस्तान में ना बड़ा मसला है खाने का, बहुत मसला है खाने का एक डिश बनेगी उसके साथ साठ डिशेज और बनती है अब बेगम जो है आपकी सारा दिन अगर किचन में तीन वक्त का ताज़ा खाना बनाती रहेंगी तो भाई शाम में उसके पास से अदरक और प्याज की स्मेल ही आनी है हुँ। हुँ। फिर आप कहेंगे कि यार तुम मेरे लिए तैयार नहीं होती वो कहे कि भाई सारा दिन तो मैं खाना ही पकाती रही थी क्योंकि आपके घर का ट्रेंड ही, है। आपके इस तरह से कल्चर ही है। और क्या रहा था और ये मैं उस दौर की बात करू जहां बहुत जगह देखा हमारे घर में खाना इज द लीस्ट प्रायोरिटी हमारी अम्मी ने जो मैंने अपने वाले साहब को देखा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे डाइड इन 2015 विद द कैंसर उनका हमने जब अपने होश में आखिर तक देखा जो अम्मी खाना बना के हमारे वाले साहब के सामने रख चुपचाप तो खा लिया द फैमिली थे ना वो, मतलब वो एतराज नहीं करे तो हम क्यों ऐतराज करें ठीक है फिर यही होता था कि सब्जी अब सब्जी रखी तो सब्जी ही खानी है देर इज नो अदर ऑप्शन हमारे नखरे भी अच्छा फिर ये हुआ कि जब हम खाना खत्म करते हैं तो हमारी अम्मी कहती थी कि प्लेट उठाओ किचन में रखो तो वो आदत ऐसी पड़ी ना था भाई वो आदत आज भी है कि हम खाने की टेबल से वो प्लेट उठा के किचन में जाके रख देते अभी हमने कुछ खत्म किया ही क्योंकि हम अपने बच्चों को अब सिखा रहे हैं अब मुस्फुरा सुन रही होगी समझ में आ रहा होगा उसको मेरी बेटी सुन रही होगी कि अच्छा बाबा जान और अम्मा जो है ना इस तरह से गेम खेल रहे हैं हमारे साथ तो वो वो हमने अडोप्ट किया मेरे वाले साहब हमेशा ऑन द गो थे मतलब उनका स्लीप टाइम बहुत कम था वो बहुत एक्टिव थे माशाल्लाह और बड़े लोगों का उनका मतलब उनके लिए ये कहना कम नहीं होगा कि अगर कोई उनसे कहना कि ये आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है तो वालिद साहब मेरी वो शर्ट उतार के ना शायद उसको दे दें इस तरह के मिजाज के मेरे वाले अच्छा, साहब थे माशार ताला। उनको उनका करे बहुत इस तरह से उन्होंने किया इस तरह बहुत एक्टिव थे रात के दस बजे ग्यारह बजे अगर अम्मी कहती थी ना कि हमें आइसक्रीम खानी है या चाट खानी है तो वो ऐसे बिस्तर से उठते थे कहते चलो लेके जाते थे वो हमने देखा वो हमने तो जब हमने शादी करके जब हमने अब, अब 2016 में भी अच्छा बॉन्ड रेज इन कराची ठीक है ना आ, हम कराची में ही रहते थे बहुत बड़ा सोशल सर्कल था मेरा अपना भी और मेरे क्योंकि जब वाइफ आ, की तरफ भी बहुत बड़ा सोशल सर्कल था और वो भी हम निभाते थे सोशल सर्कल को ना तो जब हमने 2016 में हम यहाँ पर इस्लामाबाद फाइनली मूव कर गए थे वैसे हम 2008 से 2016 से बैक एंड फोर्थ मूव करते रहे तो हमने भी अपने कर... क्योंकि हमने वही देखा तो आज हमारे घर में भी वही है हमारे घर में खाना इज द दल लेकिन यहाँ वो बातें बता रहे हैं जहाँ पे पेरेंट्स जो है ना वो एक आइडियल सिचुएशन प्रेजेंट करते हैं ठीक है और फिर उन्हीं से बच्चे सीखते हैं और वो फिर उनकी फैमिलीज भी जब वो शादी करते हैं तो दे ऑल्सो लीड अ गुड एग्जाम्पल ठीक है लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दोज पीपल जो कि शायद उनके माँ बाप की प्रैक्टिस भी ऐसी नहीं थी एंड <coughs> <and coughs> उन्होंने उनकी कंडीशनिंग बचपन से ऐसी हुई <coughs> आ, उनकी सब ये नहीं बोट ओशन जिसमें वो बोट तैर रही है योर सेल जो कि कपड़ा लटका होता है आपको थर्स्ट मिलता है हवा का इट इज ला और जो आपना? आपके चप्पू हैं वो कुरान और है और जो आपका सस्टेनेंस है वो तकवा होना चाहिए और आपकी जो डेस्टिनेशन है वो जन्नत होनी चाहिए इफ यू डोंट हैव तकवा योर 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 सस्टेनेंस एंड चप्पू कुरान और याद रखें पेरेंट्स मिले मतलब वी कैंट कुरान में बहुत सारी मिसालें हैं जैसे इब्राहिम उनकी वाइफ हाजर और सारा बड़े अच्छे उनके बेटे बड़े लेकिन वी फाइंड एग्जांपल्स इन द कुरान जहां पे तो, शोहर तो नेक है नू और लूत बीवियां इविल बीवी तो नेक है आसिया फिरौन इविल है औलाद तो नेक है जैसे इस्माइल और इसहाक है लेकिन याकूब युकूब की जो औलाद है वो डिस है चैलेंजेस तभी पैदा होते हैं और अल्लाह ने हर तरह की मिसाल दी है और इसमें ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि

आ, खौफ और क्या कहते हैं खौफ और उम्मीद की कैफियत का नाम है ये आप फार्मूलापल मतलब उनकी एक टाइम पे नौ बीवी हैं अच्छा वैरायटी देखिये उम्मत के लिए एग्जांपल के लिए एक बड़ी है बहुत जी खदीजा एक छोटी है आयशा एक वो है जो उनकी लैंग्वेज नहीं बोलती मारिया कि एक वो है जो यहूदी है यानी इस्लाम कबूल किया सफिया बिनते कितनी डिफरेंट एग्जाम्पल है मतलब हमें डिफरेंट कल्चर कल्चरिया फ्रॉम इजिप्ट कहां से आई है तो रसूल ने हर किसी को बैलेंस और किस तरह से किया वो मार्क टून कहता है ना कि मैरिज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ब्यूटीफुल फॉरगिवर्स टू ब्यूटीफुलट एंड ब्यूटीफुल फॉरगिवर्स अगर दोनों माफ करने वाले नहीं है ना और इस बोर्ड को चलाने में नहीं है

या तो बहू की शक्ल में सास को या सास की शक्ल में बहू को और हम ये लेकिन, करेंगे। लेकिन जो आप पहले भी बात कर रहे हैं मैं इससे ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि औरत भी जो है ना वो औरत और मर्द की साइकोलॉजी बहुत डिफरेंट है बहुत डिफरेंट है हम मर्द शादी से पहले इंसान को नहीं पता होता कि फीमेल्स की साइकोलॉजी क्या है व्हेन यू स्टार्ट के, के बाद पता नहीं चलता तो शादी के बाद भी सीरियसली <laughs> और, सीरियस भी, और तो भी नहीं जान एक दो <laughs> साल तक आपको या तीन चार साल तक शायद आपको ना समझ में आए ना हाँ, इसमें हाँ, है पता मसला क्या जो आप ये बात कर रहे हैं ना मैं ये समझता पर... हूं मैंने ये देखा भी और एक्सपीरियंस भी किया है सास और बहू का जो जो भी खवातीन का जो भी प्रॉब्लम है इसका भी कसूरफार मर्द ही होता है

इन माय होम ना कि मैंने कहा यार ये काम तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं वो जो आपने की थी ना जो आपके ब्लेस्ड हैं आपके पेरेंट्स आपके सरस लेकिन अगर एक स्टेप पीछे जाए ना तो हमारी अम्मी के साथ ऐसा नहीं था सही समवन हैज टू स्टार्ट क्योंकि मेरे फादर ने स्टेप इन किया ठीक है अब हो क्या रहा था कि जब हमारे जी ददियाल और ददियाल में खास तौर पे यही खाने वाला सिलसिला बहुत ज्यादा था लेकिन हमारी वालदा जो थी वो यही कहती थी कि अगर मैंने ये सारे काम किए तो मेरे बच्चों को कौन दे जब मेरे पास पे टाइम नहीं होगा तो ना मैं फादर हसबेंड को टाइम दे पाऊंगी ना मैं बच्चों को टाइम दे पाऊंगी तो वहां से उन्होंने उसको निकाला कि नहीं ये जो मैंने आपको कहा ना अगर आप ये अपनी जिंदगी से खाना आप, आपने तो बात की अब जिनका ये कल्चर है मैंने खुद देखा है कि दिन में तीन दफा तीन खाने बनते हैं अब आप मुझे

देखें अगर पेरेंट्स ने आपकी वाइफ को सामने से कुछ कह दिया तो मैं आपको लोगों को टिप बता रहा हूं कि कभी भी आप कुछ ना कहें दोनों तरफ से कुछ ना कहें क्योंकि अगर वाइफ को देखें जब तक आप अपनी वाइफ की इज्जत नहीं करेंगे ना कोई भी नहीं करेगा ना आप अगर आप पेरेंट्स की इज्जत नहीं करेंगे ना

आपने खामोशी रहना हाँ अगर ये करें, कोई, सामने आप कह रहे सामने सामने ना और अगर वाइफ ने कुछ कह रहे हैं तो आपने वाइफ ही को चुप कराना है लेकिन अगर आपको देखिए कवान भी बड़ा मैटर करता है वही बात की अगर आप उसकी इंसल्ट करेंगे तो बाकी सब भी इंसल्ट नहीं करें उसके तरीका ये है ना कि तरीका आपने देख लिया ना आपने कहा आगे आगे चार। चार। अच्छा अब हुआ ये कि अब फटा तो खत्म हो गया आप कुछ नहीं बोले ना इधर बोले ना उधर बोले लेकिन अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स से गलत बात की है लट से तो जब बेगम चली गई तो लगत आपने कहा अम्मी ये बात ठीक नहीं थी मेरे ख्याल हो सकता है अम्मी कहनी हम तो ठीक है लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप जब कमरे में जाए तो बेगम से कहें कि यस अम्मी ने गलत बात कर दी या वालिद साहब ने गलत बात कर दी चलो छोड़ो पेरेंट्स हैं

और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करे एग्जैक्टली सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट कैसे करेगा वो बाय रिस्पेक्टिंग हर एंड बाय प्रोटेक्टिंग हर कि तुम्हें कोई जब तक मैं हूं जिंदा तुम्हें कोई भी बाहर का शख्स या hmm. अंदर का hmm. नुकसान नहीं पहुंचाए वैसे दिस रिक्वायर्स वेरी स्ट्रांग नर्व्स फॉर अ मैन

पीसफुली और is not the of Islam. Hmm. के अलग रहे अच्छा माँ बाप कौन देखे बच्चा छोड़ के चला जाए hmm. exactly. ना, ना, ना देखें अगर डिपेंडेंट है तो फिर आपको रखना पड़ेगा ओ, अगर डिपेंडेंट आपको मतलब अलग घर नहीं है मतलब अलग पोर्शन आप देखते हो सकता है या इवन एक ही पोर्शन है तो उसमें लिमिट हो के

आप जो हस्बैंड जो बेटा पच्चीस साल से अपनी माँ के हाथ का खाना खा रहा है अगर दस साल और खा लेगा तो आपको क्या मुसीबत पड़ी है? कि अपने, नहीं हाँ ये, ये प्रॉब्लम भी आता है ओनरशिप का माँ समझती है कि मेरा बेटा छीना जा रहा है और बीवी समझती है कि मेरा खावन छीना जा रहा है ये लड़, मैं तो समझता हूँ मर्द क्रिएट करता है ये मसला देखिये असल में सारी गेम है ना वो है ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप क्या है मर्द के ऑर्डर रिलेशनशिप जो शुरू से हैं वो वही रहते हैं औरत के ऑर्डर रिलेशनशिप जब वो शादी होती है ना रीसेट हो जाते हैं इस्लाम रीसेट करता है मर्द का ऑर्डर रिलेशनशिप शादी से पहले क्या था सबसे पहले उसकी माँ फिर उसका बाप क्योंकि अभी शादी नहीं हुई हुई तो फिर उसके बहने और फिर उसके चाचू मामू जो भी हैं और फिर अगर वो डॉक्टर है इंजीनियर है तो उसकी फिर जॉब है बिल्कुल ठीक है अब शादी हो गई तो माँ और बाप के बाद उसकी बीवी आ गई और अल्लाह औलाद भी उसके बाद में आती है यानी ऑर्डर हमारे यहाँ औलाद भी ऊपर आ जाती है और औलाद तो सबसे ऊपर चली जाती है, माँ है गारे गारे और माँ बाप से भी ऊपर और फिर सेकंड में बीवी आ रही होती है ठीक है मर्द माँ बाप ही रहते हैं बीवी का जब रिलेशनशिप ऑर्डर पहले क्या था पहले उसके माँ बाप जैसे मर्द का होता है लेकिन जब शादी हुई अल्लाह ने चेंज कर दिया अब तुम्हारा शोहर सबसे पहले है जन्नत तुम्हारी शोहर है है फिर तुम्हारी औलाद है सास अभी तक सास नहीं है अभी तक फिर उसके बाद तुम्हारे अपने माँ बाप है फिर उसके बाद सास उसेर है अल्ला ने क्या फरमाया था तुम्हारे चार माँ बाप है यानी तुम्हारे अपने मां बाप भी दो हैं और वो जो माँ बाप है ना अपने हस्बैंड के माँ बाप और हस्बैंड के लिए वाइफ के माँ बाप वो भी माँ बाप है लेकिन रिस्पेक्ट चारों की करनी है खिदमत दो की करनी है तो माँ बाप की जो खिदमत है ना शोहर के वो बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, नहीं है लेकिन अगर है। वो करती है उसका बहुत बड़ा एहसान है ये ऐसी है जैसे पड़ोसी आपका आके रोजाना आपके घर में पोछा लगा के चला जाए खाना पका के आपकी माँ को और आपके बाप को खाना खिला के चला जाए और आपसे कुछ पे भी ना ले तो उस पड़ोसी को आप कभी कहेंगे कि निकल यहाँ से जाएंगे? कहेंगे, so much, और कितने और बहू को कभी, कभी कभी लाया इसलिए नौकरानी आ रही है खूबसूरत बात की थी ना कि दुनिया चलती है असूल से और घर चलता है इखलाक से अल्लाह से ना आप जो आपने बात की वो अलग रहना चाहिए अगर आप देखें अगर आप टू प्लस टू इक्व टू फोर पे जाएंगे ना तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगे अब आप ये कह रहे हैं कि वाइफ के लिए चेंज हो रहा है तो मैं तो कह रहा हूँ हस्बैंड क्यों नहीं चेंज हो रहा है जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके पेरेंट्स और आपके तमाम एक्सटेंडेड फैमिली का करे होता है क्या है आप होता है क्या कि आप एक अपनी लाइफ गुजारे मैं, तो मैं तो में प्रण एक, एक प्रॉब्लम देता हूँ एक अगर फॉर एग्जाम्पल सास अनिजनेबल है सो भी अनरीजनेबल है और साथ जो हस्बैंड की बहनें हैं वो भी अनरी हैं तो फिर क्या करें तो जो हस्बैंड है ना उसी ने सारा गेम खेलना है और उसी ने सारा बैलेंस करना है क्यों मैं ये क्यों बार बार कह रहा क्योंकि अगर आप अपनी वाइफ को रूम नहीं नहीं देंगे या या उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे या उसको टाइम नहीं स्पेयर करेंगे तो वो आपकी बच्चों की तरबिया नहीं कर पाएगी ना वो फ्रेश हो पाएगी और रात को आपको थकी हुई ही मिलेगी आपको भी नहीं टाइम दे पाएगी आपने पेरेंट्स को देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेरेंट्स से बदतमीजी करें मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स मैं आपको अपनी एग्जाम्पल छोटी सी ये भी नहीं कह रहे यहाँ पे सॉरी बात कर रहा हूँ आप घर चेंज कर लें हर बार कर भी नहीं सकता है। नहीं 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 सकता। के पास मैं आपसे ये कह रहा हूँ बस आपने ना बीच में एक ना ऐसा इन्वासिव बनाना है जिसमें औरत की मेंटल हेल्थ पे भी ना आ रहा हो और घर का निजाम अच्छा चल रहा हो अगर आपने बहुत ट्राई कर ली है पिछले सालों से फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा तो फिर बाउंड्रीज कम अज कम सेट कर ले क्योंकि औरत घर की मालिकन है चाहे माँ है चाहे बेटी चाहे बीवी है आप कहते हैं कि ये जो कमरा है ना इसके बाद आपकी ऑनरशिप है क्योंकि घर की दो मालिक नहीं मालिकन हो सकते, सकते।, सकते। हालांकि मैं थोड़ा सा इसमें मेरा खिलाफ है कि घर की मालिक जो है ना वो औरत नहीं होनी चाहिए ठीक है क्योंकि वो किचन का मामला आ जाता है मैन ऑफ दी हाउस हेड ऑफ द फैमिली शुड बी द मैन ऑफ द हाउस जो जो मर्द है मैन ऑफ द हाउस कुमेन ना अब अगर फादरली फिगर नहीं है ना नहीं। तो female domination आ जाती है। फीमेल आती है ना, वहाँ problems create लेना होता है देखे हम कराची में रहते थे जहाँ पे रात में <coughs> दो दो तीन तीन बज जाते थे आपको क्योंकि बहुत सारे लोग दीन को नहीं समझते हम तो एक जर्नल अमाम उन्नास की बात कर रहे हैं ना जर्नल प्रैक्टिस आती है की रात में कराची में एक दो 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 बजे हम भी सोते थे हमें भी आते थे मेहमान आ रहे हैं ये हो रहे जब हमने चेंज अपना किया तो दैट वॉज नॉट एन ईजी चेंज ठीक है हम आ, लेट जाते थे बजे बच्चे हम लिटाना चाहते थे कि बच्चों स्कूल जाने चाहे लेकिन हमारे यहाँ हम मेहमान आते थे दस बजे ग्यारह बजे और बारह बजे तो हम इस तरह से हमने कोई बदतमीजी नहीं कि हम ये करते थे कि मैं बच्चों को लेके ऊपर चला गया साढ़े सात बजे आज भी हमारा रूटीन सेवन थर्टी हस्बैंड है ना हम यहाँ पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा करने वाले होते हैं बचपन सेबूबैंड बात नहीं समझ रहा हाँ तो उसी को समझाने को तो बैठा रहे तो फिर प्रॉब्लम ये आप आएगी अब होता क्या है कि बैलेंस क्रिएट करे अगर घर में कुछ गलत हो रहा है सबसे मैंने जैसे आपको कहा ना कि दमादों को पालना छोड़ दे सबसे पहले दमादों को पालना छोड़ आप हमारे बहुत बड़ा कल्चर है दमादों को आप खुद भी दमाद ना बने क्योंकि अगर आप दमाद बन रहे तो देखें जिसकी बेटी के साथ आप जैसे रखेंगे ना कल को आपकी बेटी की भी शादी होगी प्रिपेयर फॉर दैट वो जो नमाज मिलेगा ना आपको वो भी ऐसी मिलेगा जैसे आप थे मैं ये कह रहा हूं कि आपकी एक लाइफ है ना उसको अलग ट्रीट ना करें देखिए जब हम जेडीएस में थे नमाज नहीं पढ़ते तो उस वक्त नमाज पढ़ना और रोजा रखना एक अलग काम लगता था और हमें कहते थे यार क्या मुसीबत है अब अलहमदुल्ला वो पार्ट ऑफ द लाइफ है मैं ये कह रहा हूँ कि वाइफ के पेरेंट्स वाइफ को आप और उसके जो एक्सटेंडेड फैमिली हैं, उसको अपना पार्ट ऑफ द फैमिली बने बनाएंगे तो आपको अलग से अलग जाके काम नहीं करना पड़ेगा मैं यकीन बहुत अच्छी नहीं अच्छा वो ट्रेडिशनल सास थी मैं जाता था ना तो ये भी लो वो भी लो ये भी मंगा लो मैंने एक दिन कहा कि ये मेरे साथ नहीं चलेगा ये ठीक है ना अब जो घर में पका है वही खाएंगे और जो घर में पकता था मैं अपने बहनों को भी खिलाता था शुरू में हमारी अम्मी क्योंकि वो भी थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड से थी तो वो चाहती थी दमाद का ना ये ये भी चाइनीज आ जाए तो हमने अपने बहनोई को दाल चावल भी खिलाया है पीसी में भी खाना खिलाया नहीं। नहीं। है मैरियट में भी खिलाया है टॉप नॉच और होटल्स में भी खिलाया है लेकिन घर में हमने दाल चावल भी खिलाया है। जो आप सोल्यूशन दे रहे हैं ना ये मैं बिलीव करता हूँ कि दिस इज हंड्रेड परसेंट ट्रू एंड हंड्रेड परसेंट वर्किंग भी है लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इट्स डिफिकल्ट

नहीं, आप इसको मेरे पास क्यों लेकर आए क्या करूं कह वो जो कहें, जो टोटका दे आग बंद करके अमल कर लीजिए we फिर हमने ये अमल किया आप एहतका करें इससे आप, आप थोड़ा सा पेरेंटिंग के ऊपर आजकल क्या हो रहा है अच्छा मैं ना एक चीज इसमें ऐड करूंगा हस्बैंड्स को ना कुछ सैनिट की तरफ एम करना चाहिए कुछ बेंस बेंच मार्क्स होने चाहिए कि जिस तरह वो कोशिश करें नंबर वन मतलब आई वुड आस्क टू क्वेश्चंस फ्रॉम हस्बैंड्स ठीक है नंबर वन इज़ क्या आप आपके सबसे बेहतरीन दोस्तों में से कौन है पहले तीन का नाम लें hmm. अगर उन तीनों में वाइफ का नाम आपका आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट वाइफ को जाता है ठीक hmm. है और अगर नाम नहीं आता है पहले तीन दोस्तों में से तो गलती हस्बैंड की आपकी है मैं तो तीन कह रहे हैं मैं तो कह रहा हूँ फर्स्ट पे आना चाहिए फर्स्ट पे आना चाहिए आइडियली मैं आपको अपना बताओ ना मेरे जितने सोशल मीडिया के पासवर्ड मेरे जितने बैंक ऑनलाइन वो, तो वो तो उन्होंने तो लिए तो तो, 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 एक सैलरी स्लिप जो है ना मिनाज भाई को जाती है और एक एड्रेस पे जाती है क्योंकि मैं फोन पे में है देखे बार बार मैं कहूंगा क्रेडिट जो देखें जो खातून आ रही है ना वो आप ही के रहमो करम पे आ रही है आप जैसे रखेंगे ना वो वैसे ही रहेगी मेरी अम्मी बड़ी अच्छी बात करती है कि ना बहू बुरी होती है ना दामाद बुरा होता है बेटा और बेटी उसको बुरा अच्छा बनाते हैं अगर आप अपने हस्बैंड की इज्जत अपने मैके में करवाएंगी तो ही इज्जत होगी और मैं अगर अपने मैके में करवाऊंगा उसकी तो ही इज्जत होगी ये मतलब मैं कहता हूँ यार दिस इज अमेजिंग थिंग ना और दूसरा क्वेश्चन मैं जो था ना वो मैं करता हूँ अगर मतलब हस्बैंड से कायनात के सबसे खूबसूरत मतलब या औरतों में से सबसे खूबसूरत औरत आपको कौन लगती है अगर पहले तीन औरतों में से यानी माँ भी आ सकती है डेफिनेटली बहन भी अगर पहले तीन औरतों में बीवी का नाम आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक अच्छे हस्बैंड होने की निशानी है अगर नहीं आता तो गलती आपकी है अच्छा और औरतों से सवाल कि इस दुनिया में आपका सबसे ज्यादा आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे करती हैं ऐसे ट्रस्ट वाला मतलब ये बोत बेज है

यार अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो हाँ, हाँ तो इस्लाम ने बड़ा सिंपल सल्यूशन दिया हर बंदे के बिल्कुल ठीक है उन हुकूक को अगर पढ़ लिया जाए और कोशिश करें उसकी पासदारी करें तो हर बैलेंस खुद हम हम हो first, हो exactly. हम अगले को फर्ज याद दिलाते रहते हैं ना मेरा पर्सनल ये मानना है कि सबसे बड़ी स्ट्रगल रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट वो है औरत का पर्दा ठीक है अब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में और भी लोग हैं देवर भी है जिसको हदीस में मौत कहा गया है, मौत बिल्कुल क्या बाहर के बंदों को और बात है देवर के बारे में खास तौर पे पूछा गया लेकिन उनको अल्लाह नबीम ने कहा वो तो मौत है तो वो औरत बेचारी मैं तो समझता हूँ वो स्ट्रगल करती है कि वो घर में भी पर्दे में रहती है कोई उसकी इंडिपेंडेंस नहीं है ठीक है और वो बाहर जाती है तब भी पढ़ती है ये जो आप बात करें ना ये केस टू केस है ठीक है अगर आपके लिए प्रैक्टिस करना मुश्किल हो रहा है फॉर एक्जाम्पल तो ठीक है आप घर अलग ले लें आप घर में सास बहू के पड्डे ज्यादा हो रहे हैं और आप नहीं मैनेज कर जो आपने पूरी हंड्रेड परसेंट एफर्ट डाल दी और फिर भी नहीं मैनेज होना हो पा रहा हो हम मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो जनरलाइज्ड है मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम है सवाल पूछता हूँ आपसे अगर आप अपने बच्चों से एक सवाल पूछते हैं कि डज योर मदर वैल्यू यू मोर और योर फादर मोर उनका जवाब क्या होना चाहिए यानी या, कि नहीं नहीं क्वेश्चन हाँ। आया बच्चों से सवाल हाँ, पूछते हैं कि <laughs> नहीं, आप नहीं, पूछ मा आपकी मामा आपको ज्यादा वैल्यू करती हैं या आपके बाबा को ज्यादा वैल्यू करती हैं ना जवाब बाबा का आना चाहिए एग्जैक्टली जवाब बाबा का आना चाहिए देखिए मैं आपको क्योंकि बाबा जो है वो

Gift hmm. for my wife, na. Hmm. उस चक्कर मेंट हो जा जाता तो hmm. है आपके लिए कुछ कभी लेना चाहता हूँ लेकिन मैं रह जाता हूँ hmm. तो hmm. मेरी बेगम ने मुझसे कहा जेस्टर hmm. कोई मसला नहीं कुछ लेकर आए यार तो मैं कभी कुछ नहीं होता था बैठे बैठे ना मतलब अब थोड़ी सी ऑनलाइन hmm. बात चली जाएगी कि ये पेंसिल रखी है ना कोई बात अच्छी लगी तो मैंने कहा आपकी बात अच्छी थी पेंसिल मेरी तरफ से

मेरे बच्चों को नहीं पता कि मम्मा बाबा लड़ाई भी करते हैं ये नहीं कि हम लड़ते नहीं है ऐसा हो पॉसिबल तो ही नहीं है कि ले, आप में लड़ाई ले, लेकिन मेरे ले, 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 बच्चों ले, को नहीं ले, ले, पता ले, 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 हम लड़ते अलग है बच्चों को पता ना चले ऐसा नहीं होता अच्छा मजे की बात यह है कि जब आप कहते हैं बच्चे बैठे नहीं लड़ रहे तो 90 परसेंट तो अगली दफा तो गुस्सा उतर ही चुका होता है ठंडा होता ही नहीं दोबारा बात होती नहीं लेकिन हाँ कोई अगर सीरियस इश्यू तो फिर हम अलग से बात करते हैं ऊपर जिस तरह से आप रखेंगे बच्चे आपके वैसे ही रखेंगे मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप अपनी की बात कर रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करें उनके जो एक्सटेंडेड हैं या उनके पेरेंट्स उनकी रिस्पेक्ट करें और चीजों को नॉर्मलाइज करें अलग से अपने ऊपर हावी ना करें यार बेगम के घर जाना एक मुश्किल काम है नहीं वो भी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ है इसको ब्लेंड करें जैसे आपकी लाइफ ब्लेंड हुई है ना उसको भी ब्लेंड करें और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है शादी से पहले जितनी तफरी फन करना है ना hmm. बैचलर लाइफ में वो आप hmm. कर लें शादी के बाद बैचलर लाइफ नहीं होती

ठीक है अच्छा वो हस्बैंड वाइफ जिनका रिलेशनशिप खराब हुआ हुआ है जिनका बिल्कुल एक कम्युनिकेशन गैप आया हुआ है एक कम्युनिकेशन बबल आया हुआ है ठीक है जिसमें वो बिल्कुल आपस में बात नहीं कर रहे मैं उनको एडवाइस करना चाहता हूँ वो ये कि अक्सर जो कम्युनिकेशन बबल है वो इस या तो शैतान की वसपसे से आता है या आपके रिलेशनशिप की वीकनेस से आता है ठीक है या तीसरी बात यह है कि बगैर किसी वजह की भी आ जाता है कोई ऐसी बात थी जो कि सेंसिटिव नहीं थी और आपने उसको सेंसिटिव बना के सवार कर लिया कि ये ने ऐसे कर दिया। या फिर आप नाराज है नाराज हूँ आपसे बात नहीं करी आपको अभी तो पता नहीं चला तो ये जो बबल को कैसे वो करें उसमें आप भी बताएं देखिए जैसे मैंने कहा ना औरत वाइफ्स की साइकी समझना बड़ा मुश्किल काम है ये एक

मेरी रिक्वेस्ट है ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि लोगों को आप बिल्कुल इन्वॉल्व ना करें पहले तीन चार महीने जब कम्युनिकेशन बबल डेवलप हुआ हुआ है तो बेडरूम की बातें बेडरूम तक रहनी चाहिए बिल्कुल होना खुद रिजॉल्व करें खुद बात करें और मल्टीपल ट्राइज करें अल्लाह ताला से दुआ करें यानी

डोंट बी अ फॉर्मल जस्ट बी वॉट यू बी ना हाँ। आप नॉर्मल नॉर्मल नौ, रखें हाँ। मैं कह रहा सवारे सवारे नहीं हाँ। इस सवार नहीं इस चीज को अगर अगर आपके देखें आपका वाइफ से रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा ना एक तो अवान की तरह से आपसे पूछा जाएगा का, अगर आपने उसको पूरी रिसोर्स नहीं दी तो कल को वाइफ खड़े होकर कह सकती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे पैसा दिया गाड़ी दी जेवर दिया हर किस्म का सुकून दिया लेकिन मुझे दीन नहीं दिया

ठीक है आई एम नॉट जजिंग एनी वो लोग कहते ना कि बेटा खैरियत है मुझे बताओ मसले या आ, ये है वो है फौरन से उनमें अकेली कमी है वो कोई भी हो सकता है उनमें अकेली कमी है जो बार बार आपसे इंट्री कर रहे हैं कि हमें बताओ क्या चल रहा है वो आपके मामले में आपके रिलेशन में अपडेटेड रहना चाहते हैं कि क्या चल रहा है उनको प्लीज हाथ जोड़ो इन्वॉल्व ना करें खुद से करें हाँ इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका साल हो गया बात नहीं करे हाँ। तीन महीने हो गए आफ्टर मल्टीपल ट्राइज आप बात नहीं कर हाँ। तो फिर आप इन्वॉल्व करें किसी ऐसे रिस्पॉन्सिबल मेचोर बंदे को मैं एक कपल को जानता हूँ जिनका आथ साल आथ साल के बाद उनकी शादी हुई जी ठीक जी, जी 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 जी, है जी, जी। और उसके बाद लोग टो में लगे रहे कि आपके घर में फड्डा होता है या नहीं होता लेकिन वो माशाल्लाह वो जो घर का जो मिजाज था वो ये था इस तरह से था कि वो जो थी मदर इन लॉ उनका ये कहना था कि हम अपने बहू को हम बुरा कहेंगे तुम कौन होते कहने वाले अगर कोई कुछ कह देता ना उनकी बहू को हालांकि उनको पता था की शादी थे हम चूल्हा फाड़ के अपनी बहू को मार दे बट दिस इज वॉट वी डू यू आर नॉट अलाउड टू डू असल में देखें जब अल्लाह वो लिबास का जिक्र किया ना तो वो अगेन वो एग्जांपल आती है कि वो फिर बात बाहर नहीं जानी चाहिए मतलब वो वाइफ बहुत अच्छी होती है घर में

किसी मॉडरेटर को जरूर इन्वॉल्व करना और, एक एक हाँ। अच्छा और माए भी ना आजकल बेटा बताओ 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 क्या हुआ, हाँ, क्या हुआ? Exactly. माँ को भी इतना मेच्योर नो माए सुन रही बता है बताए बेटा ये अमानत है हाँ. क्या तुमने हस्बैंड से पूछा कि तुम उससे बात शेयर कर रही हो एक्टली क्या तुमने बात की क्यूँकी अमानत है पीछे से मिल रही होती है की इनके घर के हालात क्या है अच्छा उनको रिकनसाइल करने भी आजकल बहुत इशू है पहले क्या होता शादी होती तो क्या कहते थे बेटियों को डोली जा रही है आएगी आएगी अब क्या होता है हाँ। कि कुछ करे ना हाँ। तो मुझे बताना हाँ। मैं खुद हाँ। एक फैमिली हाँ। और तुम आइंदा अपने शोहर के बगर हाँ। समझना वो दिन था और आज का दिन है और वो एडमिट करती है वो लड़की मैं जानता हूँ कि अगर उस दिन अम्मी ने वो डोर नहीं बंद हुआ होता ना मेरा घर टूट चुका होता और आज क्या भाई कहता है कि नहीं हम देख तो बल्कि किया? से पहले कहते हैं कि कोई अगर रोला हो ना कोई मसला बताना सारे ऐसे हैं जिसमें है। जिसने जो आप गाली गलोच कर ये मर्द जो जो नहीं कहूंगा उससे जो गाली दे रहा है औरतों पर उठा तुम्हारी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है तो वो जो है ना उसको आप बिल्कुल ना करें अच्छा जो मैंने बात की ना कि जो लिबास की बात हो रही थी कि ये तुम्हारा लिबास है तो जिस तरह लिबास आया था आप उसी तरह उसको एक्सेप्ट करो यानी हम शादी के पहले तीन चार दिन या तीन चार हफ्ते सॉरी जिस तरह से वो है हम एक्सेप्ट करते हैं मैं ऐसे नहीं करती ओके ठीक है नो नो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है वो नहीं है ठीक है नो प्रॉब्लम लेकिन तीन चार हफ्ते बाद हम जो हमारे जहन में उस औरत का परसेप्शन है जो इमेज होता है हम कहते हैं आप अगर काश उस तरह की बन जाए ना जिस तरह मैं आपको जहन में तस्वर करता हूँ फिर हम ठीक हो जाएंगे तो जो आपने दुआ करनी है ना अल्लाह तला से कहा दुआ करें ठीक कर देफीक देसेप्ट करूँ विधर क्वालिटी कह रहे हैं ना कि वाइफ यू करे हमारे में पचास मसले हैं वो भी तो एक्सेप्ट कर रही है हुँ। हुँ। आपको क्या पता असल बात की हम खुद नहीं देख रहे हो वो भी तो एक्सेप्ट कर रही है

अच्छे पेरेंट्स कौन होते हैं जो अगर अपने बच्चों को चेंज करना चाहते हैं अगर वो खुद चेंज नहीं होना चाहते मैं सीट बेल्ट मेरा मुस्तफ़ा सीट बेल्ट नहीं पहनेगा हाँ। जब तक मैं सीट बेल्ट नहीं पहनूंगा मैं रास्ते में सलाम करता हुआ नहीं जाऊंगा वो किसी को सलाम नहीं, नहीं करेगा मैं घर आके सलाम नहीं करूंगा वो सलाम नहीं करेगा मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा वो नमाज लेक्चर से उसको करना चाहते हैं मुस्तफ़ा तो में बात करूँ मैंने कभी मुस्तफ़ा को ही नहीं कहा कि मुस्तफ़ा चलो नमाज के लिए मैं घर में आवाज लगा दूँ मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ खुद ही उसको हुआ कि दिन मैं चलता हूँ दो दिन चलता फिर कभी मैं उसको गोद में लेके जाता था खुद या वापस ले आता था उसको इस तरीके से अच्छे पेरेंट्स ना देखिये हम लोग ना समझते हैं मैं इसको अच्छा इंजीनियर या डॉक्टर बना दूंगा जो आम लोग समझते हैं तो मेरा बड़ा मैंने बड़ी कमाल की पेरेंटिंग कर दी hmm. हालांकि अच्छा इंजीनियर डॉक्टर बनाने से अच्छी पेरेंटिंग नहीं होती अच्छा इंसान बनाने से अच्छी पेरेंटिंग होती है एंड द किड्स डोंट नीड क्वालिफाइड पेरेंट्स किड्स डोंट नीड डिग्री होल्डर पेरेंट्स किड्स नीड हैप्पी पेरेंट्स दोज कैन लुक हैप्पी हु कैन स्माइल एट दैम मतलब आम तौर पे इन इंसानियत की जो लोगों की जो नीड है ना ज्यादातर वो ये नहीं है कि हमें कुछ समझा दे बल्कि उनकी नीड ये है कि हमें कुछ समझ ले एग्जैक्टली exactly. हम कहते हैं कि हम इसको घंटे का भाषण और लेक्चर दे, दे देंगे तो ये इमाम बुखारी या ये बन जाएगा लेकिन ज्यादा उसकी नीड ये है कि वो हमें समझ लें hmm. और यही वजह है कि आप देखें असल में मैं समझता हूँ कि ना इट ऑल्ड वर्ल्ड डाउन टू हाउ यू लुक एक हैलोजी साइंस ऑफ टोनोलॉजी साइंस बच्चा सबसे पहले जो लैंग्वेज सीखता है ना वो एक्सप्रेशन की लैंग्वेज सीखता है hmm. ना वो बोल सकता है ना बात कर सकता है अगले की उसे बात समझ नहीं आ रही अब उसे कहें ना कि उल्लू का नाना ठीक है <laughs> और कर रहे, तो वो का आप स्माइल <laughs> <That's fine. laughs> तो तो ऊपर ठीक है वो बेसिकली क्योंकि वो एक्सप्रेशन देख रहा है hmm. तो वो शुरू में ना आपके आप लोगों के एक्सप्रेशन नोट कर रहा होता है एंड दिस इज द फर्स्ट लैंग्वेज ही स्पीक्स और वो सारी जिंदगी उसको उसके अंदर इंग्रेन होती है तो अगर आप गुस्से में देखते हैं ना कभी भी बच्चा आपके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाएगा नहीं। और तरबियत होती ही अच्छे रिलेशनशिप के नतीजे में है एक कॉन्सेप्ट एक, एक, uh, है कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक स्माइल हम बड़े अच्छे हैं इस चीज में लोगों के सामने दोस्तों के सामने चल रही है सब कुछ बड़े हंसी हंसी घर आए तो जैसे फिर ऑन दाखिल हो गया एक बच्चे से पूछा गया कि आपकी माँ ने कब आपके सामने मुस्कुराया था तो उन्होंने कहा मुझे नहीं याद लेकिन जब वो मेरे फ्रेंड से बात कर रही होती है ना फिर बड़ा मुस्कुराती है और बाप भी साथ बैठा होता उस, है उसका है <laughs> क्योंकि उन्होंने मुझे भी मुस्कुराती मुझे, 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 मुझे नहीं याद जब लोगों से बात करती है तब ये बड़ा मुस्कराती हैं और ये जो लगना खुश है ना वो ये है कि आपने अपने आप को टाइम कैसे दिया आप अपने आप को ठीक कर लेना मैंने आपसे यही कहा ना कि आप exactly. अगर तो हाँ। तरबिया का <laughs> वो मदर के ऊपर होता, तो होता है अब एज ये आपको देखना है क्या आपने वो तमाम फैसिलिटीज अपनी वाइफ को प्रोवाइड की हुई है कि वो उसकी तरबिया कर सके जैसे मैंने शुरू में कहा अगर वो सारा दिन किचन में खाना पका रही है तो तरबिया जो है बच्चे की वो तो स्मार्टफोन तो करेगा, नहीं नहीं। स्मार्ट स्मार्ट करेगा या वो बेबी टीवी करेगा पे होगा या मासी करेगी। आ, या आपकी मासी करेगी आपकी तरबिया नहीं हो सकती पेरेंट्स अब... का दूसरा काम है औलाद को खिलाना पिलाना <coughs> उनका पहला काम है औलाद की तरबियत करना बल्कि मैं तो फादर्स की भी बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी समझता हूँ प्रेजेंट का मतलब ये नहीं है कि वो घर पर है और घर पर है लेकिन घर पे नहीं है जो फिजिकली इन्वॉल्व ना हो या बच्चों हाँ। से बातचीत ना कर रहा हो हाँ। तो वहां पे रेशो बच्चों के डिप्रेशन में और बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं अब जो मैम ग्रैंड पेरेंट्स की मैं बात कर रहा था कि अगर फर्ज करें कि आपकी वाइफ बिजी है तो पहले जमाने में आपके जो दादा दादी थे ना वो बच्चों को पालते थे फ्रॉम वन टू सेवन ईयर्स देखे नमाज भी सात साल की उम्र में फर्ज हुई है सात साल से पहले क्या हो रहा है उसकी तरबिया हो रही है तरबिया क्या हो रही है उसको मैनर सिखाया उसको आदाब सिखाए जा रहे हैं अब फादर नाइन टू फाइव नहीं है मदर किसी वजह से घर में बिजी है तो अगर आपके घर में दादा दादी ना दैट इज ब्लेसिंग वो भैक आपको सुना वो आपको और में तुम्हारे बड़ों में तुम्हारे पे बरकत है, तुम्हारे 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 बड़ों है, है वो कहानियां यूट्यूब से या उससे सीखती है और फिर मेरे बच्चों को पढ़ के सुनाती हैं अब सिर्फ सुनानी नहीं है अब वो ये भी कहती है मुस्तफ़ा सीधे बैठो मुस्तफ़ा टांग पे टांग पर रखो मुस्फिरा सही से बैठो दुपट्टा सर पे रख के बैठो ये तरबिया हो रही है ये कहानियां वो बता तो अब आप तो अवेलेबल नहीं, नहीं और एक बात ये भी लोगों को बताते चले कि तरबिया जो है ना सिर्फ डूज एंड नोट्स बताना नहीं है असल जो तरबियत है ना वो जैसे आप रैशनली और इंडिपेंडेंटली बच्चा कैसे डिसीजन मेक करता है ये तरबिया है कि वो कोई नहीं देख रहा उसे कोई नहीं जानता उसे किसी और मुल्क में जहां भी है वो इंडिपेंडेंटली कैसे डिसीजन ले रहा है इज़ ही मेकिंग राइट चॉइसेस और नॉट हम लोग समझते हैं जैसे आपने कहा ना जो अखलाक बड़े बताते हैं वो तो मतलब बहुत ज़रूरी है ये तो लाजिम बताना चाहिए और इसकी इसी के नतीजे में इंसान राइट चॉइसेस मेक करता है हुँ. हम लोग समझते हैं कि बेट बच्चों पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देना ना ये उन कहना कि ये ये करना है वो वो नहीं करना वो बेसिकली अच्छा रिलेशनशिप आपका बच्चे से कैसा है ये भी बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है अच्छा इससे पहले ये बात इंपॉर्टेंट है कि आपका आप अपने आप को कितना जानते हैं मतलब अगर आप समझते हैं कि मैंने अपने बहुत काम किया हुआ है लेकिन आपके लिए खुश रहना मुश्किल है तो आपने अपने पे इतना काम नहीं किया हुआ right. और ये अपने से सवाल करें कि हाउ डू आई मैनेज माई इमोशंस हाउ डू आई कंट्रोल माई एंगर वट डू आई डू टू माई सेल्फ टू लुक हैप्पी एक्टिविटी ये कर लें आप देखें कि आज आप जिंदगी में कोई एक वाक्य या कोई एक शख्स को भुला दें जिससे आप खुश कोई एक ऐसे बुरा इंसिडेंट जिसको आप भुला दें जिससे आप खुश रहने शुरू हो जाए वो आप करें वाई डोंट यू फॉरगेट दैट मेमोरी वाई डोंगेव दैट पर्सन जिसने आपने जुलम और ज्यादा की थी हमारा मसला क्या है कि वी डोंट स्पेंड टाइम ऑन आवर सेल्फ पैसे के पीछे मोबाइल फोन के पीछे स्ट्रेस, स्ट्रेस बहुत है जब हम लोग स्ट्रेस हैं इतने और समझती है उसका अच्छा बेरा, बेरा, बेटा अच्छे कपड़े पहने अच्छी सी किताबें हूँ अच्छा इसका देखने में अच्छा लग रहा हूँ और मैं खाना खिला दूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हालांकि ये नहीं है ये आपकी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और मर्द की पैसा कमाना दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के सामने अच्छा लगना और उनको टाइम देना पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिलेशनशिप जो बिल्डिंग होती है ना वो जो तरबीय होती है अपनी आपकी रिलेशनशिप के साथ होती है एंड दिस बॉयल्स डाउन टू व्हाट हैव यू डन टू योर सेल्फ आप ख़ुद कितने पसंदीदा हैं इंसान बच्चे के मैं एक फार्मूला बता दूँ सिंपल अगर आप चाहते हैं कि बेटा आपका बच्चा आपका पसंदीदा बन जाए तो आप उसके पसंदीदा बन जाए

आ, आपने उसको मीन्स एंड टूल्स देने उसको हुँ, हुँ. आपने एक, एक, तो यह है कि आपने मीन्स एंड टूल्स दे दिया उसके दे बाद नहीं हो रही दैट इज अनदर केस लेकिन अगर जैसे मैंने कहा ना कि वो अगर बिजी दूसरे कामों में हुँ. हुँ. और आप उसको फ्री अप नहीं कर रहे हैं लेट से तो फिर वो आपके बच्चों को टाइम ही दे पाएगी तो तरबिया नहीं हो पाएगी वैसे मैं तरबिया का भी ना सॉरी आप पहले कम्पलीट कर अब इसके अंदर ये है कि बच्चों की तरबिया करने के दो तरीके या तो आप खुद करें दैट इज इम्पॉसिबल ये आपकी वाइफ करेगी अगर आपकी वाइफ प्रैक्टिसिंग से नहीं आ रही से अब आपने मैं आपको एग्जाम्पल दू जब मुस्फिरा को बड़ी बेटी को कुरान पढ़ाने की बात हुई तो मैंने लोगों से जिक्र शुरू किया कि मुझे कारी चाहिए तो मुझे एक बड़े अच्छे रिजवान भाई हमारे उन्होंने कहा कि मिनाज बड़े अफसोस की बात है कि तुम अपनी औलाद को कुरान तक नहीं सिखा सकते तो मुझे बड़ी हिट हुई है वो बात तो मैंने अपनी आपके वाइफ को बताया कि मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब सी बात है उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं मैं सिखाती हूँ से तो मैंने कहा तो कैसे करेंगे वो बस मैनेज हम कर लेंगे आप बस सपोर्ट कर अभी बात निकल जाएगी लेकिन मैंने उसको सपोर्ट किया मुस्तफ़ा छोटा था मैं उसको लेके जाता था इनको छोड़ने के लिए वो गाड़ी में सीट बेल्ट छोटा बिल्कुल लिटा हुआ वो मैं घर लेके आता था दो घंटे मैं रहता था उसके साथ फिर वो अपना पढ़ के क्लास लेके आती थी

तुमने मेरे बेटों की तरबिया की आपको तो पता ही नहीं घर में मसले क्या चल रहे थे और शाम में आने के बाद भी मैंने अपना रूल बनाया हुआ था कि अगर मैं बच्चों के साथ बैठा हूं तो मैं कहता था वाइफ आप, आप हट जाए मैं बैठूंगा मुझे इश्तियाक अहमद नहीं पसंद आ, स्पेक्टर जमशेद की कहानियां मुझे मुझे नहीं पसंद ठीक है लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ वो मुझे सुनाती हैं दोनों बैठ के वो मैं सुनता हूँ इंटरेस्ट से और मुझे ये भी याद रखना पड़ता है कि नेक्स्ट डे मुझे कंटिन्यू इंग्लिश exactly. मैं इसी बात पे आना चाह रहा था कि तरबियत का कॉन्सेप्ट जो है ना कभी कभी हमने गलत ले लेते हैं हम समझते हैं कि बैठ के बच्चों को पढ़ाना जो है ना वो तरबियत होती है जबकि मैं तरबियत को ऐसे देखता हूँ कि इट्स बिल्डिंग रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन उनके साथ घुल मिल जाना उनके साथ मिलकर वो एक्टिविटीज करना जो वो चाहते हैं

यानी क्या वो आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहता है कॉपी करता आप आपसे आपके, आपके सवाल करता है या नहीं करता आपसे आपसे आपके एक्सपीरियंस पूछता है नहीं पूछता है, ठीक है दूसरी बात क्या आपको अपने थॉट्स जो रैंडम गंदी थॉट्स आ रही हैं यानी बाबा ये दुनिया किसने बनाया ये म, ये पत्ते कैसे उड़ते हैं ये चिड़िया कैसे उड़ गई <laughs> बच्चा जो है ना क्यूरियोसिटी जो अल्लाह तला ने नेचुरली बच्चे में डाली ना ये सब दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है उसका सवाल करना और वैसे बड़ा स्ट्रेस कर देते हैं कभी कभी बच्चे हैं अच्छा, हैं। अच्छा, अच्छा, ना। सवाल अच्छा, अच्छा सवाल पे 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 सवाल सवाल पे आता है हाँ, सवाल पे सवाल, सवाल, सवाल। आपके लिए जरूरी होता है कि आप बिल्कुल फोकस होकर सवालों का जवाब दें जो आप वो बात हम कैसे जवाब दें हमें तो उनके जवाब खुद नहीं आते होते हाँ, तो हम ये कहते हैं दुनिया तो उसके सवालते जवाब कैसे दे हम आपको ये कहें आपको ना पूछ के एक दो दिन बाद दो दिन बाद लेकिन आप उसको जवाब दें क्योंकि अगर आपने सवालों के जवाब देना बंद कर दिया ना दे सवाल करना छोड़ देगा नहीं। नहीं। और जो तरबिया का ये कॉन्सेप्ट जो आपने कहा ना सिर्फ माँ पे भी नहीं होता जै, नहीं। जैसे मैंने कहा ना शुरू में मोहम्मद अली भाई का पूरा लेक्चर मौजूद है जहाँ पे फादर मौजूद नहीं है बेशक माँ कुछ भी कर ले बच्चों ने डिप्रेड तो फादर के साथ फादर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को जो उसकी कैपेसिटी है जो अल्लाह तला ने क्योंकि ज़्यादा नौ बजे के देखें पांच बजे के बाद आप ऑफिस से आ रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप आपको एहसान नहीं किया आपने ना आप काम कर रहे हैं तो घर में आए जैसे आपने शुरू में कहा ना सारा अख्लाक जो है ना वो गाड़ी में बैठ के फोन हाँ। पे हंसी हसी जैसी घर में घुसे ना तो वही फिर वाला जो हाँ। सख्त मिजाज है फोन पे बच्चे पर बच्चे भी पहले जमाने में क्या होता था कि फादर घर में घुसते थे बच्चे इधर उधर चले जाते थे हाँ, और यही होता था तो आज भी अगर आपने ये ट्रेंड बना लिया तो फिर वही होगा जैसे मैं तो इसको ब्रेक डाउन भी करूंगा कि इसको ना आप ये समझ लें कि आपके बाल खराब होंगे आपकी ग्लासेस टूटेंगी आपका फोन गिरेगा आपके कपड़े आयरन बड़ी अच्छी करके आप ऑफिस से मतलब आए हैं बड़ा उससे आपके शूज भी खराब होंगे बच्चे आपके ऊपर भी चढ़ेंगे आप तो गुस्सा नहीं आना चाहिए घर में घुस के ना ये जो मोबाइल फोन है ना हाँ। मैं मेरी प्रैक्टिस रही है मैं वही बता रहा हूँ इसलिए मैं शुरू में कहता था मैं जो भी बताऊंगा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस है हुँ। मैं जब ऑफिस से घर आया करता था तो पांच बजे से लेके आठ टिल द डिनर मैं अपने फोन को हाथ नहीं लगाता था तूफान तो आए आंधी आए

कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का तरीका ही नहीं नहीं बच्चों के साथ मतलब hmm. एक एक पेरेंट जिसका बच्चा उसे, आ, रिलेशन अच्छा अच्छा है तो आई वुड सजेस्ट टू रिव्यू योर स्टाइल चार साल खराब हुआ ना दिन तो hmm. ठीक हो जाएगा इट टेक्स अनदर फोर ईयर इम्पोर्टेंट इट अनदर फोर इसको दिमाग में लगेगा

अच्छा, अच्छा ये, ये भी ना हंड्रेड पूछेगा ये भी हंड्रेड परसेंट इस तरह से नहीं है जैसे मेरी अम्मी अक्सर कहती थी अभी भी क्या मतलब कहती हैं कि खिलाओ आपको तो पता होगा खिलाओ सोने के चम्मच से देखो शेर की आंख से ये बैलेंस्ड है आज भी ये पुराने स्टाइल हो गए मैं ना 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 सर ये आज आजकल का बच्चे को अगर आप शेर की निगाह से देखेंगे ना वो आपसे वो वो क्या करेगा वैसे बच्चे, बच्चे आप, बाकी बहुत डिफरेंट वो, वो आप से दोस्तों से करीब हो जाएगा आपसे दूर हो जाएगा लेकिन हमने वो बच्चा हाँ कह रहा है मैंने नूडल्स खानी है आप ना दें उसको नूडल्स आपके बेटा सालन पालक बना हुआ है आप यही खाएंगे एंड मेक श्योर के अगले दिन सुबह भी पालक हो और मेक श्योर तब भी नहीं खाता तो अगले दिन दोपहर को भी पालक ही हो ताकि वो खाए

तो बच्चा ये देख रहा है कि दादी ने बाबा को कुछ कहा तो बाबा कुछ नहीं बोले नहीं। तो मेरे लिए भी ये सबक है कि कल को बाबा मुझे कुछ कहेंगे तो मैं भी कुछ पलट के जवाब ना दूं दू लर... अब वो एक एक्सेप्शन और वो ये भी लर्न करेगा कि मैं गलत करता हूँ तो मैं गलत करता रहूं दादी मुझे बचा लेंगी बाबा से ये भी है स्टेज आती है देखें अगर आपकी नियत ठीक है ना मैं आपको विद द एक्सपीरियंस बता रहा और आपकी नियत ठीक है ना बच्चे बिगड़ते नहीं है नहीं पेरेंट्स ठीक होती है लेकिन ठीक नहीं दादी और दादा तो की दुश्मन नहीं है बात मैं ये कह रहा हूँ की अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ किसी एक घर में अगर कोई औरत वो वो दादी है और आप कहते हैं बेटा ना देखो ये वो सब चीज ठीक है वो कहते हैं देखेगा बच्चे को डांडना नहीं है मुझे दिखाओ मैं मैं हाँ, बेटा हम मूवी हाँ, तो, मैं तो मैं आपको सलूशन हाँ। देता हूँ उसका जिस टाइम दादी मूवीज देखती हैं ठीक है और होता है मुझे भी मालूम है हाँ, उसेज करें तो किया लर्न नहीं करेगा की बाबा ने दादी को जवाब नहीं दिया है ना वो करेगा ये तो मैं बेसिकली बाबा कभी भी कुछ कहेंगे ना यहाँ पे लॉन्ग टर्म नहीं

हाँ तो फिर उस केस में फिर जो मैं आपने कहा था ना कि वो क्योंकि आपने ईमान बचाना है ना तो फिर आप कहते कि लेट्स टू exactly. another place. भी वो भी मैंने कहा ना अब जो हमारे आप और मैं वैसे नहीं कहता सॉरी शायद आपका थोड़ा डिफरेंट हो मैं नहीं कहता मैं समझता हूँ मेजोरिटी केसेज में ऐसा होता है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स प्रैक्टिसिंग नहीं होते हैं ठीक है और मेजोरिटी केसेस में आपको थोड़ा पीछे हटना पड़ता है हाँ पीछे आपको हटना ना आपको उस तरह से करने के लिए लेकिन आप डिपेंड करता है कि आपके एक्सपीरियंसेस और मेरे और मासेस बिल्कु, में बिल्कु, क्योंकि हाँ। जो मैं मासेस जितना मैंने देखा हुँ। हुँ। क्योंकि मेरा सोशल सर्कल बहुत जैसे मैंने शुरू में कहा ना बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रहा आज भी है मैं बाहर भी गया हूँ मैंने भी देखा ये सारी चीजें तो ये मासेस में इतना ज्यादा नहीं है फादर को देखे ना और उनके दादा को देखे तो इवन मेरे बाबा भी ही रिस्पेेक्ट हिज फ अलमद लिस्पेक्ट क्या और बाबा बताते हैं कि दादा के साथ हम लोग दो तो दो तीन तीन घंटे बैठे हुए थे और हम एक लफ्ज नहीं बोलते थे दिस वॉज द ओ एंड ग्रैंड्योर ऑफ आर पेरेंट्स और फिर जब पूछे बाबा सी हम चले जाएँ तो चले जाए बैठा ठीक है और लेकिन प्यार का भी लेवल बहुत था कि दादा बाबा बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो दादा आके फजर उठाने के लिए मुझे दबाते थे और सारा अब अगर आपका बच्चा आपके साथ बैठा है और बात नहीं कर रहा ना और आप ये समझ रहे हैं कि मेरी वो रिस्पेक्ट कर रहा है या वो फॉर एग्जाम्पल बैठा रहेगा और वो एक तरह से हमारा रिलेशनशिप बिल्डिंग हो रही है मेरे एक रिस्पेक्ट कर रहा है आज की वो गेम खत्म हो गई आज है स्नैपचैट का जमाना आज है इंस्टाग्राम का अगर आपसे वो बात नहीं कर रहा यानी आप पूछते कि बेटा हाउ इज योर डे हमारे दादा के जमाने में बच्चे का ज्यादा बोलना रिस्पेक्ट समझ जाता है ज्यादा नहीं बाबा सिंह बहुत अच्छा था लाला जाकर बस अगर वो कह ना अच्छा डू नथिंग टीचर ने क्या बताया अ वीक रिलेशन विद ये डायनेमिक्स ना बहुत चेंज हो गई इस दुनिया के लिए बिल्कुल ठीक अगर आपका बच्चा आपसे शिकायत नहीं कर रहा ना यू आर नॉट गुड पेरेंट्स बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि आपके बच्चे को पेरेंट्स ही ना हो शिकायत अगर है देन आर गुड पेरेंट्स अगर मुसलसल आपसे शिकायत तो उसको है तो आप पेरेंटिंग उसकी ठीक कर रहे बिल्ड कर वो वो करना अब ये तो एक अलग टॉपिक निकल जाएगा क्योंकि अगर हमने उसको दो साल की उम्र में पकड़ा दिया तो कसूर हमारा है ये अलग बात है हालांकि लोग ये भी कहते कि नहीं मौलवी जो है ना ये कहते हैं डिजिटल के एज के खिलाफ मैं एग्जाम्पल ये देता हूँ कि मेरी जो मदर है वो सिक्सटी फाइव ईयर्स की है उन्होंने इस उम्र में यूट्यूब चैनल देख के पूरी किचन गार्डनिंग कर ली ना जब ना वो ना इस उम्र में कर सकते तो बच्चे अपनी एज में आएंगे तो बच्चे कुछ कर ही लेंगे इसमें इज नो रॉकेट साइंस अच्छा बच्चे पे ना ना कभी शक भी नहीं करना चाहिए हमें ये जो झूठ तो नहीं बोल रहे झूठ तो नहीं बोल रहे बच्चा आप पे शक नहीं करता आपकी नीयत पे अगर आप जो लोग बच्चे पे शक करते हैं ना कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे वो बच्चा उसके देखिए बच्चे के तीन मेन चीजें हैं कॉन्फिडेंस कैरेक्टर और क्रिएटिविटी कॉन्फिडेंस बेस है इसके ऊपर खड़े होते हैं कैरेक्टर और क्रिएटिविटी Beautiful. जब आपने उसका कॉन्फिडेंस तबाह कर दिया ना कि तुम झूठ तो नहीं बोले तुम ऐसे या जो ऐसे अल्फाज कहना की तुम्हें शर्म नहीं तु, या तुमसे कोई काम होता ही नहीं है तुम तो कुछ हाँ। अच्छा खाते ही नहीं हो सही ये कोई टाइम है बाहर जाने का हमेशा फजूल सवाल करते रहते हो जो बात करते ना वो बीच में गायब होगी रिव्यू योर कम्युनिकेशन स्टाइल उसमें ये ना कहें कि नहीं जाना बाहर कहें कि बेटा आप जरूर जाना लेकिन अभी दो बज रहे हैं पांच बजे आपका टाइम आप लास्ट में जाना इन या फिर ये ना कहें कि बेटा तुमने खाना ही नहीं खाना खाना ही नहीं खाना नहीं

और वो दिन मैं में, में कसम, कसम है <laughs> कुछ पढ़ा जाऊंगा जाके पूछूंगा अच्छा तो खैर मोहब्बत जो है ना मोहब्बत अल्लाह को देख लें कभी भी अनस मालिक दस साल रहे आज तक हाथ नहीं उठाया सिर्फ ये भी नहीं कहा कि अनस तुमने काम क्यों नहीं किया आज तक उफ नहीं किया क्या वो उनकी तरबियत हमसे बेहतर यार मैं देख के सोचता हूं कि ना इट्स अ वेरी आ, वो कहते हैं तोड़ने वाला प्रोसेस है यू नो अक्सर लोग कहते हैं ना माँ बाप क्यों बूढ़े होते हैं अभी आ, थोड़ा एहसास होता है यू नो एक डिस्क्लेमर बड़ा बड़ा अपने घर में लगा लें ये हम सबको यकीन होना चाहिए कि कोई भी दुनिया में पेरेंट्स है प्रैक्टिसिंग एंड नॉन प्रैक्टिसिंग वो अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहते हैं ये अब अब इसके लिए देखा जितनी माशा डिस्कशन की हमने

एक महीने के बाद विजिट करने गए तीन मर गए थे भाई एक मिला वो भी जख्मी हालत में उसको वो आप घर लेकर आए क्या हुआ आप क्या सीखा इससे वो शेर थे हाँ। पाला आपने उनको बिल्लियों की तरह से आता है ठीक है तो उनको हंट नहीं करना था हम जो मुस्लिम उम्मा बैठे हुए हाँ, हैं ना हाँ। जो जो अगर टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान को उसके पेरेंट्स ने बनाया होगा कह कह के ठीक है ना हम मुस्लिम हमारे पास बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है सुल्तान मोहम्मद फाते कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम की क्या उम्र थी सत्रह साल, साल थी तो उनको मोहम्मद बिन कासिम उनके पेरेंट्स या मदर हाँ, ज्यादा जो कहते तो मोहम्मद तो हम क्या कर रहे हैं किस तरह से हाँ, पेरेंटिंग कर रहे हैं हाँ, अब हाँ, जैसे मैं मुस्तफा को मैंने जान के गैर गैर वाली साइकिल नहीं दिलाई थी क्योंकि वहां स्लोप है देखा ना अपने मस्जिद के साथ पहले मैं उसको पुश करता था वो थक जाता था आज मैं उसको पुश नहीं करता hmm. उसने वो सीख लिया उसने उसी को पुश किया और कहता बाबा मैंने आज ये कर लिया और मम्मी डेडी नहीं बनाना हमने उनको हुँ। तकड़ा मुस्लिम हमारे पास बहुत ह्यूज हमारे पास टाइम नहीं है जाया करने के टाइम पर नहीं करना सुल्तान मोहम्मद फाते की मदर जो है वो खुद कहती है कि मैंने अपने बेटे को ना अपने दूध के साथ साथ मुसलमानों का खून भी पिलाया है यानी खून नहीं पिलाया, उनके वाकयात कि कितना जाती जाती हुई है और कौन सी माँ बताती है।, है जो माए बुज़दिल है ना मेरा बच्चा हाय चला ना जो गुडू पपरू अभी तक है वो बुजदिल बच्चे पैदा करेंगी और एक बुजदिल अलेक्डर कहता था काफेट मदर्स आई गिव्यू ग्रेट नेशन

हमारी नस्लों को दीन पे ले आए और हमारे घरों में दीन को दीन को और दीन को दाखिल कर दे और हमारे घरों से बेदीनी को निकाल दे और अल्लाह ताला हमारे दिलों में ईमान को मुजयन कर दे और कुफर और फिस्क और फजूर और फहशिर बुराई हमारे दिलों से निकाल दे मम्मा जलिका अल्लाह भी आजीज़ या अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है रहमतुल्लाहि व सामिकम